पुलिस ने सिवनी में सड़क सुरक्षा अभियान का प्रचार प्रसार किया और लोगों को जागरूक कर यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दी। सिवनी में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीसी सागर के निर्देश पर पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान चलाया। यह अभियान कंट्रोल रूम सिवनी से नगर के मुख्य मार्ग होते हुए निकाला गया। इस दौरान पुलिस अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस के जवान, मातृशक्ति संगठन और छात्रों ने आम जनों से सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक करने के बारे में बात की। इसके साथ ही सड़क नियमों को नाट्य रूपांतर के माध्यम से लोगों को बताया गया। सिवनी पुलिस द्वारा युवाओं से अपील भी की गई कि वे नशे से दूर रहें और वाहन चलाते समय सावधानी रखें, यातायात के नियमों का पालन करें। सिवनी में मैंने देखा कि यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं और उनकी जो टीम है, पुलिस अधीक्षक श्री प्रतीक, बहुत ही बेहतरीन किस्म से पुलिस की हैंडलिंग कर रहे हैं, पुलिस के जो व्यावसायिक दायित्व उनको निर्वहन कर रहे हैं। और मैंने देखा कि यातायात को लेकर काफ़ी सेंसिटाइजेशन उन्होंने किया है, जनता में अपील की है, तो उसी अपील की कड़ी में ये अपील है जनता से कि वो यातायात के नियमों का ईमानदारी से पालन करें, ये देखते हुए कि उनके जीवन सुरक्षित रहेगा तो उनके परिवार के जीवन सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा तो वो प्रदेश और देश के निर्माण में योगदान देंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।